हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एफएम इलेक्ट्रिकल्स। आज आप इस वीडियो में जानने वाले हैं कि इंजीनियर जब साइट पे जाता है तो वो इंस्पेक्शन कैसे करता है, उसके पास आखिर क्या चीज़ होती है और उसे किस चीज़ की जानकारी होती है कि वो साइट पे जाने के बाद वो 10 कमेंट डाल देता है। तो उसके लिए उसके पास एक चेक लिस्ट पॉइंट होता है जिसके ज़रिए से वो वन बाई वन करके वो सारे सिस्टम को चेक करता है। तो आइए इस वीडियो में आपको चेकलिस्ट के बारे में मैं आपको बताऊंगा कि इंजीनियर कैसे चेकलिस्ट कैसे इंस्पेक्शन करते हैं साइट की। तो इससे पिछले वाले वीडियो में हमने बताया है कि जो कंटेनमेंट वर्क होती है, कंडूटिंग, ट्रे, ट्रंकिंग, इंस्टॉलेशन, उसको कैसे चेक कर सकते हैं। तो आप उस वीडियो को भी देखें। तो आइए चलते हैं, ये हमारा दूसरा वीडियो है। तो इसमें हम केबलिंग वर्क के लिए चेकलिस्ट बनाए हैं, यानी जो केबल इंस्टॉलेशन होती है साइट पे उसके लिए क्या क्या चेकलिस्ट रिक्वायरमेंट है, क्या क्या एक्टिविटी उसमें चेक किया जाता है। तो आइए चलते हैं, स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सबसे ऊपर सेम है, प्रोजेक्ट नेम लिखा हुआ है और यहाँ पे मैं पेंसिल ले लेता हूँ ताकि मैं आपको ड्रा करके मैं दिखाऊँ। तो सेम हियर, यहाँ पे आपको प्रोजेक्ट नेम मेंशन करना होगा, उसके बाद यहाँ जो चेक लिस्ट है जिस चीज़ को चेक करना है वो यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, इलेक्ट्रिकल केबल इंस्टॉलेशन, यानी जो हमने केबल इंस्टॉल कर रखी है उसकी इंस्पेक्शन कैसे करें, हम किन किन चीज़ों को चेक करें, कौन कौन से पॉइंट्स जो है आपके माइंड में होना चाहिए जिसके ज़रिए से आप साइट पे जाने के बाद आप चेक कर सकते हैं। तो आप देखिए यहाँ पे रेफरेंस ड्राइंग ड्राइंग नंबर लिखा हुआ है, इसका मतलब ये हुआ कि जो इस वर्क रिलेटेड जो भी ड्राइंग नंबर है उसकी रेफरेंसेज आपको यहाँ पे फिल करना होगा। उस ड्राइंग की रिवीजन है, रिवीजन 0 है या 1 है, इसका मतलब ये हुआ, रिवीजन हम इसलिए यहाँ पे डाल दिए हैं क्योंकि कुछ ड्राइंग्स ऐसे होते हैं जिसमें रिवीजन 0 भी होते हैं, 1 भी होते हैं, 2 भी होते हैं। तो स्पेसिफिक किस ड्राइंग के रिलेटेड के अगेंस्ट आप ये चेकलिस्ट चेक कर रहे हैं, क्योंकि आपको लास्ट में साइन भी करना होगा उस वर्क के रिलेटेड। तो उस ड्राइंग की जो रिविजन्स है वो आप यहाँ पे लिख देंगे, उस ड्राइंग पे लिखा हुआ रहता है रिविजन 0 या रिविजन 1। आगे चलते हैं, यहाँ पे WIR नंबर, वर्क इंस्पेक्शन रिक्वेस्ट नंबर, ये आपको कंपनी प्रोवाइड कर देंगे। उसके बाद चलते हैं डिस्क्रिप्शन में, यहाँ पे कुछ एक्टिविटीज़ है जो चेक करना है। तो फर्स्ट में है इंश्योर डैट केबल टाइप एंड साइजेस एज पर केबल स्केड्यूल एंड अप्रूव्ड शॉप ड्राइंग, इसका मतलब ये हुआ कि जो आपके पास ड्राइंग है, अप्रूव्ड शॉप ड्राइंग है, उसमें जो केबल टाइप उसको बोलते हैं, जैसे कि कुछ केबल्स जो है 1 कोर PVC वायर होती है, कुछ केबल्स 2 कोर PVC वायर, 3 कोर, 4 कोर, 5 कोर, उसके बाद जो आर्मर केबल होती है उसमें XLP होती है, SWA होती है, कुछ मीन्स अलग अलग केबल की अलग अलग टाइप्स होती है। तो किस टाइप की केबल है आपको वो आइडेंटिफाई करना है, चेक करना है, मैच करना है कि ड्राइंग से ये मैच हो रही है या नहीं हो रही है जो साइट पे इंस्टॉल किया हुआ है। उसके बाद इसकी साइजेस की बात करें तो सेम साइज़ का होना चाहिए जो हमारे ड्राइंग में शो हो रहा है, सेम साइट पे भी इंस्टॉल होना चाहिए, अगर मैच हो जाता है तो यहाँ पे आप टिक कर दें। उसके बाद सेकेंड में है इंस्पेक्ट डक्ट्स, केबल ट्रे, ट्रंकिंग एंड कंडूट्स एज एप्लीकेबल बिफोर लेइंग द केबल्स वायर्स फॉर एनी फॉरेन मटेरियल, इंश्योर दैट देयर आर नो शार्प एजेस, बेंड्स एंड बर्स। जैसा कि मैंने प्रीवियस वीडियो में इसके बारे में मेंशन किया हुआ है, बताया हुआ है कि केबल पुलिंग करने से पहले आपको देख लेना चाहिए कि जिस केबल की साइजेज है, नंबर ऑफ केबल्स है उस केबल ट्रे में या ट्रंकिंग में, उसके लिए एप्लीकेबल है या नहीं है। तो आपको ड्राइंग में आपको चेक करना है कि सेम मैच का ट्रंकिंग हमने लगाया है या नहीं लगाया, तो वो आपको चेक करके यहाँ पे आपको टिक लगा देना है। थर्ड नंबर पे है चेक केबल क्लियरेंस एंड केबल सपोर्ट प्रॉपर स्पेसिंग। अगर पावर केबल की बात करें, आर्मर केबल की, तो वो इसे हम केबल ट्रे में इंस्टॉल करते हैं, और जब केबल ट्रे में इंस्टॉल करते हैं तो उसे केबल टाई से टाई भी करते हैं, उसको बांधते भी हैं, तो उसकी एक प्रॉपर स्पेसिंग होती है। तो अगर केबल अगर अच्छी तरह से प्रॉपर स्पेसिंग के साथ अगर केबल टाइड है तो आप यहाँ पे टिक लगा दें। फोर्थ में आती है चेक द सपोर्ट्स ऑफ द केबल्स इंक्लूडिंग केबल क्लीट्स एंड टाइज आर एडिक्वेट एंड द स्पेसिंग इज एज पर द स्पेसिफिकेशन। सेम थिंग जो हमने ऊपर जो दिखाया है, यहाँ पे सपोर्ट्स की प्रॉपर स्पेसिंग जरूरी है और क्लियरेंस जरूरी है कि एक केबल और दूसरे केबल के बीच का जो क्लियरेंस है वो अगर टच करके अगर इंस्टॉल किया हुआ है तो एक्सेप्टेबल नहीं है, अगर आर्मर केबल के बारे में अगर देखा जाए तो। उसके बाद
ये केबल क्लिप्स और जो टाइज है वो बराबर तरीके से टाइड है या नहीं है वो देखा जाता है। उसके बाद फिफ्थ नंबर पे है इंश्योर प्रॉपर लुब्रिकेंट रोलर्स पुलिंग ग्रिप्स इटीसी आर यूज्ड फॉर पुलिंग द केबल्स टू प्रिवेंट डैमेज टू द केबल्स। यहाँ पे बात की जा रही है कि जब वाइल पुलिंग द केबल, जब पुलिंग करना है केबल को, तो उसके लिए आपको कुछ मटेरियल्स इक्विपमेंट की ज़रूरत पड़ेंगी, जैसे कि पुलिंग ग्रिप्स। पुलिंग ग्रिप्स उसको बोलते हैं जो केबल को किसी रोप से बांध के उसके बाद हाथ में जब पकड़ते हैं उसको, पकड़ने वाला जो हैंडल होता है उसको पुलिंग ग्रिप्स बोलते हैं। रोलर्स उसको बोलते हैं कि अगर आर्मर केबल है, अगर लेंथी केबल है, तो अगर आप वायर को खींच रहे हैं, केबल को खींच रहे हैं, तो बीच बीच में आप एक रोलर डाल दें, उसके ऊपर रख दे, तो उसमें व्हील लगा रहता है, तो स्मूथली है वो आगे की तरफ केबल आती जाएंगी। तो वो आपको चेक करना है कि वो सारी चीज़ें है या नहीं है। लुब्रिकेंट, लुब्रिकेंट मतलब होता है उसमें आयल, एक स्पेशल टाइप का आयल होता है वायर पुलिंग के लिए, ताकि स्मूथनेस हो और इजली केबल पुल कर सके। सिक्स नंबर पे है केबल्स आर प्रॉपरली सेग्रीगेटेड एंड करेक्ट बेंडिंग रेडियस आर मेंटेन। इसका मतलब वही हुआ कि आपको एक प्रॉपर डिस्टेंस मेंटेन करना पड़ेगा बिटवीन द केबल और करेक्ट बेंडिंग रेडियस। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप आर्मर केबल यूज कर रहे हैं, तो अगर उसको आप ज़्यादा, जैसे एक जगह से दूसरी जगह आप ले जा रहे हैं केबल को, बीच में बेंड आ रहा है, अगर आप ज़्यादा बेंड कर, लाइक यू टर्न टाइप अगर बेंड करते हैं, तो उस केबल पे ज़्यादा स्ट्रेस आएगी। तो इन सब चीज़ के लिए एक स्पेशल डॉक्यूमेंट आती है कैटलॉग में, इसकी जो बेंडिंग रेडियस है उसकी डिटेल उसमें दी हुई है, तो एज पर उस डिटेल के अकॉर्डिंगली होना चाहिए बेंडिंग रेडियस। बेंडिंग रेडियस ज़्यादा होने के कारण केबल हीट कर जाएगी और बर्न हो सकती है। सेवेंथ नंबर पे आती है चेक देयर इज नो ज्वाइंट्स ऑफ वायर्स। ये भी चेक किया जाता है कि आप डीबी एसएमडीबी पैनल से जो केबल पुलिंग हुई है और लास्ट इंड तक, तो उसके बीच में कोई ज्वाइंट्स तो नहीं है, क्योंकि ज्वाइंट्स आर नॉट अलाउड। सब में टिक लगा देते हैं। उसके बाद एट नंबर पे आता है चेक इंस्टॉलेशन ऑफ केबल ग्लैंड्स इज करेक्ट। केबल ग्लैंड्स उसको बोलते हैं कि जो आर्मर केबल होती है, तो जैसे 4 कोर या 3 कोर या 1 कोर जो भी है, तो अंदर कॉपर कंडक्टर है, उसके ऊपर इंसुलेशन होती है, पीवीसी इंसुलेशन या फिर एक्सएलपी इंसुलेशन जो भी होती है, फिर उसके ऊपर एक आर्मर केबल। आर्मर केबल इसलिए नाम दिया गया है क्योंकि स्टील का एक वायर ऊपर से उसके प्रोटेक्शन के लिए रैप किया हुआ रहता है, तो वो एज ए अर्थिंग उसको यूज करते हैं। तो वो, और फिर जब उसको केबल ग्लैंड का मतलब ये हुआ कि जो केबल जहाँ पे टर्मिनेशन करना है, जिस डीबी पैनल में एसएमडीबी में कनेक्शन करना है, तो ट्रे के थ्रू वो केबल आएंगी, फिर वो जो ट्रे है, वो जो पैनल है, वहाँ पे उसको अटैच करके और फिर वहाँ पे होल किया जाता है और फिर उसको केबल एंट्री किया जाता है। तो वहाँ पे उस केबल को होल्ड करने के लिए, फिक्स करने के लिए ग्लैंड यूज करते हैं, एक टाइप का कनेक्टर आप समझिए। तो वो ग्लैंड जो है प्रॉपरली फिक्स होना चाहिए, तो जब आप साइट पे जाएंगे देखेंगे तो क्लियरली पता चल जाएगा कि केबल ग्लैंड क्या होता है। वैसे मैं आपको दिखा दूंगा। उसके बाद नाइन्थ नंबर में है चेक केबल टर्मिनेशन क्रिम्पिंग ऑफ टर्मिनल लग्स इज करेक्ट। केबल ग्लैंड के बाद टर्मिनेशन की बात आ जाती है कि केबल कनेक्शन कैसे करते हैं। तो केबल कनेक्शन अगर बड़ी साइज़ की केबल्स है, तो डायरेक्ट हम लोग एंट्री नहीं करते उसका, उसके ऊपर जो उसका इंड पॉइंट है कंडक्टर की, उसके ऊपर लग्स लगाते हैं। लग्स लगा के उसके बाद तब उसको नट बोल्ट से जो पैनल का जो बस बार है या फिर जो टर्मिनल है उसमें नट बोल्ट से उसको फिक्स किया जाता है, टाइट किया जाता है। तो लग्स जो है उसकी क्रिम्पिंग बोले तो, जब कंडक्टर के ऊपर उस लग्स को रखने के बाद उसको क्रिम्प किया जाता है, तो वो सही तरीके से किया हुआ है या नहीं है, या फिर लग्स निकल तो नहीं जाएगा, तो इन सारी चीज़ों को विजुअल चेकिंग करके और देखा जाता है कि ये सही है या नहीं है। उसके बाद 10th नंबर पे आती है चेक बोल्ट्स कनेक्शन एंड टॉर्क टाइटनिंग ऑफ टर्मिनल लग्स इज करेक्ट। इसका मतलब ये हुआ कि जो बोल्ट कनेक्शन किया हुआ है लग्स, और टॉर्क टाइटनिंग, टॉर्क का मतलब हुआ कि
एक स्पेसिफिक आपको एक वैल्यू होती है टाइट करने की, जहाँ तक आपको टाइट करना है, कि ज़्यादा टाइट करने से भी क्या होता है कि फिर वो बाद में वापस वो खुलेगा नहीं। और एक आपको मैक्सिमम तक, एक मैक्सिमम वैल्यू तक आपको टाइट करना है, तो उसकी एक डिटेल कैलकुलेशन होती है, एक टॉर्क मशीन भी होता है, तो उसके थ्रू आप उस लग्स को टाइट कर सकते हैं टर्मिनल पे। आगे की वीडियो में मैं आपको बता दूंगा साइट पे जब इस तरह की वर्क होंगी। 11th पे है, इंस्टॉल्ड केबल्स आर फ्री फ्रॉम डैमेज। ये क्लियर पता चल गया कि जो केबल्स है वो को उसमें कोई डैमेज तो नहीं है। 12th पे है, कलर कोडिंग, सर्किट आइडेंटिफिकेशन एंड टैगिंग्स आर करेक्ट एज पर केबल स्केड्यूल एंड सॉफ्ट ड्राइंग। कलर कोडिंग का मतलब हुआ कि जो जिस टाइप का केबल यूज करे उसका कलर सेम है या नहीं है। अगर थ्री फेज है या जैसे मान लीजिए थ्री फेज है, तो उसमें रेड का जो कंडक्टर है वो रेड टर्मिनल पे, रेड वाले फेज पे उसका कनेक्शन हुआ है या नहीं हुआ है, या फिर येल्लो वाली जो कलर है वो येल्लो वाले टर्मिनल पे, येल्लो वाले फेज पे कनेक्शन हुआ है या नहीं हुआ है, इन सारी चीज़ों को आपको चेक करना है कि कलर कोडिंग उसका मैच होना चाहिए। एज पर फेज कलर आपकी जो केबल, सेम कलर की केबल आपको कनेक्ट होनी चाहिए उस टर्मिनल पे। उसके बाद सर्किट आइडेंटिफिकेशन, सर्किट आइडेंटिफिकेशन का मतलब हुआ कि जो SMDB का जो ब्रेकर है उस पे लिखा हुआ होना चाहिए कि RYB1 है, RYB2 है या RYB3 है। साथ ही साथ केबल पे भी लिखा हुआ होना चाहिए कि ये कौन से SMDB पैनल से ये केबल आ रही है और इसकी कौन सी ब्रेकर नंबर है, तो वो केबल पे वो उसकी डिटेल होनी चाहिए। तो सर्किट आइडेंटिफिकेशन एंड टैगिंग हो गया, करेक्ट होना चाहिए, वो भी चेक करना है, वेरीफाई करना है कि सेम केबल उसी सर्किट ब्रेकर से तो नहीं आ रही है। और एज पर द केबल स्केड्यूल भी होना चाहिए और सॉफ्ट ड्राइंग के हिसाब से होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें आपको चेक करना है। और उसके बाद फिर नीचे आपको एक टेबल आएंगी जिसमें आपको इन जो प्रेजेंस ऑफ साइट इंजीनियर्स, QC इंजीनियर और कंसल्टेंट, तीनों जब एक साथ चेक करेंगे उसके बाद तीनों यहाँ पे साइन कर देंगे, तो आपकी जो वर्क है वो वेरीफाइड हो गया, चेक हो गया, इंस्पेक्टेड हो गया। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई रिक्वेस्ट यू टू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।